हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन ऑफ 17 सितंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, हु इज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू बिकम एन ऑनररी मेंबर ऑफ आईएयू। कौन पहले और इकलौते इंडियन है जो बन गए हैं ऑनररी मेंबर आईएयू के। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेबरा मेलोई एल्मर ग्रीन, ऑप्शन बी डोर्जे एंगचुक, ऑप्शन सी जी सी अनुपमा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डोर्जे एंगचुक। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है आईएयू, उन्होंने इंडक्ट किया है इंडिया के डोर्जे एंगचुक को उसके एक ऑनररी मेंबर के तौर पे। इसके साथ साथ 10 और अदर इंडक्टी है। वो पहले और एक लौटे भारतीय हैं जिनको कि ऑनररी मेंबर के तौर पे सिलेक्ट किया गया है आईएयू के लिए। डोर्जे एंगचुक जो है वो करंटली सर्व कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में लद्दाख में, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है आईएयू के द्वारा उनके वर्क को देखते हुए एस्ट्रो फोटोग्राफी के। आईएयू जो है वो ऑनर करता है इंडिविजुअल को ऑनररी मेंबरशिप से उनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन को देखते हुए एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के लिए। ये जो है इंजीनियर इंचार्ज है आईआईए इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए हेनले लद्दाख में, जिसको पॉपुलरली हम एस्ट्रो फोटोग्राफी वर्क भी कहते हैं मिल्की वे का। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। आईएयू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसके प्रेसिडेंट डेबरा मेलोई एल्मर ग्रीन है। इसको फाउंड किया गया था 1919 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट जीसी अनुपमा है, जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था। ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट है एएसआई की। इसको फाउंड किया गया था 1972 में वैन्यू बप्पू, जिनको कि हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं। निकोलस कोपरनिक, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 17 सितंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जरोडा गेट नॉट फ्रॉम होम टू लॉन्च इट एसेट मोनिटाइजेशन मैनेजमेंट कंपनी। जरोडा को परमिशन मिल गया किनसे कि वो लॉन्च कर सकते हैं अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। आपको ऑप्शन है, ऑप्शन है इरदा, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेबी। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, उसने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है इंडिया के लार्जेस्ट रिटेल ब्रोकिंग फर्म जरोडा को कि वो लॉन्च कर सकते हैं अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। इस अप्रूवल के बाद जो कंपनी है वो लॉन्च कर सकता है खुद के म्यूचुअल फंड को। फरवरी 2020 में जरोडा ने अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए ताकि वो स्टार्ट कर सके म्यूचुअल फंड ऑपरेशन को। इस अप्रूवल के बाद उन्होंने ज्वाइन किया था इन टाइटिस को, जैसे कि सैमको सिक्योरिटी हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, जिन्होंने रिसेंटली रिसीव किया था प्रिंसिपल अप्रूवल को सेबी से। अभी प्रेजेंटली 45 म्यूचुअल फंड हाउसेस है। ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एसेट अंडर मैनेजमेंट है एयूएम, ये ऑल टाइम हाई है, ₹35 लाख करोड़ है, यानी 35 ट्रिलियन जुलाई एंड 2021 में। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। जरोडा का एस्टेब्लिशमेंट 2010 में किया गया था। इसके फाउंडर और सीईओ जो है नितिल कामत है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटक पे है। इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको फाउंड किया गया था 1999 में। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। इसके चेयरपर्सन सुभाष चंद्र कुंडिया है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको फाउंड किया गया था 12 अप्रैल 1992 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके चेयरपर्सन अजय त्यागी है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसके चेयरमैन जो है जी सतीश रेड्डी है। इसको फाउंड किया गया था 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, अर्ली सैलरी पार्टनर विथ होम टू इम्प्रूव डिजिटल लैंडिंग। जो अर्ली सैलरी है इसने पार्टनरशिप किया है किनके साथ ताकि इम्प्रूव किया जा सके डिजिटल लैंडिंग को। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है आईसीआईसीआई, ऑप्शन बी एचडीएफसी, ऑप्शन सी एचडीबीएफएस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एचडीबीएफएस। जो अर्ली सैलरी है जो कि एक कंज्यूमर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, इसने पार्टनरशिप किया है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जिसको कि शॉर्टली हम एचडीबीएफएस भी कहते हैं। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये इम्प्रूव करेगा डिजिटल लैंडिंग को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इम्प्रूव करेगा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है स्किल अपग्रेडेशन का, एजुकेशनल लोन को और हेल्थ केयर फाइनेंस को इम्प्रूव करेगा। जो पार्टनरशिप है ये इनेबल करेगा एचडीबीएफएस को कि वो प्रोवाइड करे एक सिमलेस बोरोइंग एक्सपीरियंस को कस्टमर के लिए पूरे भारत में, साथ साथ प्रोवाइड करे एक इजी फाइनेंस को, डिजिटल ऑन बोर्डिंग और कस्टमर सपोर्ट को। अभी तक अर्ली सैलरी जो है उन्होंने डिसबर्स किया अराउंड 2 मिलियन लोन को। इसका मकसद है कि ये फर्दर डिसबर्स करे 1 मिलियन लोन को फाइनेंशियल ईयर 2022 पे। अर्ली सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो डिसबर्समेंट होगा वो ₹1000 करोड़ का, वो कोलेबोरेशन में होगा। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। एचडीबीएफएस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ये एक सब्सिडरी है इंडियन के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2007 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके जो एमडी सीईओ है वो जी रमेश है। अर्ली सैलरी का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। इसके को फाउंडर और सीईओ जो है वो अक्षय मेहलोत्रा है। आईसीआईसीआई के सीईओ संदीप बख्शी है। हेडक्वार्टर वडोदरा में है। फाउंड किया गया था जून 1994 पे। एचडीएफसी के सीईओ शशिधर जगदीशन है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंड किया गया था अगस्त 1994 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, आरबीआई प्लान टू सेट अप 5 मेंबर कमिटी ऑन एनयूई लाइसेंस, इट वॉज हेडेड बाय हुम।
आरबीआई ने प्लान किया है कि वो सेटअप करेंगे 5 मेंबर का कमिटी को एनयू लाइसेंस के लिए, न्यू अम्ब्रेला इंटाइटी लाइसेंस के लिए। इसको हेड किनके द्वारा किया जाएगा? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है पी वसुदेवन, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी सतीश अग्निहोत्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पी वसुदेवन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने प्लान किया कि वो सेटअप करेंगे एक 5 मेंबर कमिटी को जिसको हेल्प किया जाएगा पी वसुदेवन के द्वारा, जो कि चीफ जनरल मैनेजर होंगे आरबीआई के है ताकि वो एग्जामिन कर सके एप्लीकेशन को और रिकमेंडेशन दे सके न्यू अम्ब्रेला इंटाइटिस लाइसेंस के लिए। ये स्पीड अप करेगा कैशलेस पेमेंट को, आरबीआई ने अलाउ किया है अदर ऑर्गेनाइजेशन को कि वो सेटअप करे अम्ब्रेला इंटाइटिस को पेमेंट सिस्टम के लिए, ताकि क्रिएट किया जा सके एक अल्टरनेट मैकेनिज्म राइवलरी को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। आरबीआई ने फिक्स किया है मार्च 31, 2021 का डेडलाइन को एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एनयूयू के लिए, लेकिन 33 सबके कॉन्सर्न के कारण इसको एनयूयू लाइसेंस इश्यूएंस को होल्ड पर रख दिया गया था। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका गवर्नर शक्तिकांत दास है, डिप्टी गवर्नर जो है वो महेश कुमार जैन, माइकल देवरत्ता, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर है, सतीश अग्निहोत्री जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था। तो सतीश अग्निहोत्री ने पोस्ट संभाला है मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे नेशनल स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु एलोकेटेड 17.86 बिलियन यूएस डॉलर टू इंडिया अंडर एसडीआर। किसने एलोकेट किया है 17.86 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया को एसडीआर के अंतर्गत? तो एसडीआर होता है आपका स्पेशल ड्रॉइंग राइट। तो ये पावर जो है किसको दिया गया है? आईएमएफ को। यहाँ आपके ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी आईएमएफ, ऑप्शन सी जक्सा। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन देता है डेवलपमेंटल पर्पज के लिए, आईएमएफ देता है आपका बिजनेस के लिए, वो शॉर्ट टर्म लोन होता है आईएमएफ का जो रहता है, और जो जक्सा है वो जापान का एरोस्पेस एजेंसी है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आईएमएफ। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आईएमएफ, उन्होंने एलोकेट किया है स्पेशल ड्रॉइंग राइट एसडीआर 12.57 बिलियन, जो कि इक्विवेलेंट है अराउंड 17.86 बिलियन यूएस डॉलर के लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पे इंडिया के अगस्त 2021 के दौरान। जो टोटल एसडीआर होल्डिंग होगा इंडिया का वो अब एसडीआर पे 13.66 बिलियन है, जो कि इक्विवेलेंट होगा 19.41 बिलियन लेटेस्ट एक्सचेंज रेट के अनुसार यूएस डॉलर पे। जो लेटेस्ट इवर एलडीआर एलोकेशन था वो अगस्त 2021 में किया गया था बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा आईएमएफ का, जिन्होंने अप्रूव किया था जनरल एलोकेशन एसडीआर का 456 बिलियन का इसके मेंबर्स के लिए इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग कोटा के अनुसार। एसडीआर 456 बिलियन जो है वो लार्जेस्ट इवर एसडीआर एलोकेशन है आईएमएफ के द्वारा। इसको अप्रूव किया गया था अगस्त 2, 2021 में, जो कि इफेक्टिव हुआ था अगस्त 23, 2021 से। जनरल एलोकेशन शेयर जो था इंडिया का वो 12.57 बिलियन था, जो कि अराउंड 2.75% है। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1944 में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूएस में है। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना गोर्जीवा है। मेंबर्स 190 कंट्रीज है, जिसमें भारत भी एक मेंबर है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास, फाउंड किया गया था जुलाई 1944 पे। जक्सा, इसको फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 2003 में। इसके प्रेसिडेंट हिरोशी यामागावा है। हेडक्वार्टर जो है इसका टोक्यो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु इंक्रीज द एनपीएस एंट्री एज फ्रॉम 65 to 70 ईयर्स। किसने इंक्रीज कर दिया है जो एनपीएस का एंट्री एज है उसको बढ़ा के 65 से 70 ईयर्स कर दिया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है आरबीआई, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी पीएफआरडीए, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पीएफआरडीए। जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीएफआरडीए, उन्होंने इंक्रीज कर दिया है मैक्सिमम एज को ज्वाइन करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस का 65 ईयर्स से बढ़ा के इसको 70 ईयर्स कर दिया गया है। ये जो चेंज किया गया एज में, जो एनपीएस है उन्होंने रिवाइज कर दिया है गाइडलाइंस को एंट्री और एग्जिट ऑप्शन के लिए भी। जो एग्जिस्टिंग एज ऑफ एंट्री होगा वो पहले 18 से 65 ईयर था, इसको रिवाइज करके 18 to 70 ईयर्स कर दिया गया है। अब कोई भी इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है बिटवीन जिनका एज 65 से 70 ईयर्स होगा, वो एलिजिबल होंगे ज्वाइन करने के लिए एनपीएस को और कंटिन्यू कर सकेंगे अपने एनपीएस अकाउंट को अप टू द एज ऑफ 75 ईयर्स तक। जो कस्टमर है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने चॉइस ऑफ पेंशन फंड को, एसेट एलोकेशन को मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर के साथ 15% का और 50% ऑटो और एक्टिव चॉइस के अनुसार रेस्पेक्टिवली। जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या पीएफआरडीए, हम इसके बारे में जानेंगे। इसका एस्टैब्लिशमेंट 2003 में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली पे है। इसके चेयरपर्सन सुप्रतिम बंदोपाध्याय है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में, बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई कर दिया गया। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ये एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में, रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है। इसके सीईओ अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
who released a report titled The Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extreme 1970 to 2019. किसने रिलीज किया एक रिपोर्ट को जिसका टाइटल है द एटलास ऑफ मॉर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेज फ्रॉम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर एक्सट्रीम 1970 टू 2019। आपके ऑप्शन है IMD, ऑप्शन बी WMO, ऑप्शन सी ILO, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी WMO। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, उन्होंने रिलीज किया एक रिपोर्ट को जिसका टाइटल है द एटलस ऑफ मॉर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेज फ्रॉम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर एक्सट्रीम 1970 टू 2019। ये इस बताता है कि जो नंबर ऑफ डिजास्टर है जैसे कि फ्लड हो गया, हीट वेव हो गया, जो कि टाइवन है क्लाइमेट चेंज के कारण वो इंक्रीज हुआ है, 5 गुना अधिक हो गया है 50 ईयर्स से। जो मेजोरिटी ऑफ लॉस है वो ऑकर हो रहा है ड्रॉट के कारण, 6,50,000 डेथ जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है स्टॉर्म और फ्लड के कारण। ये जो है डेथ की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जान लेते हैं, इसके सेक्रेटरी जनरल जो है पेटरिक टैलस है, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, मेंबर्स कंट्रीज के 193 है। IMD का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर है, इसको फाउंड किया गया था 1875 में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पर है, इसको फाउंड किया गया था 1919 में। इसके डायरेक्टर जनरल गाय रीडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट ऑफ इस काइंड WHO हब फॉर पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस इनॉग्रेटेड इन वेस्ट कंट्री। पहला इस काइंड का जो WHO हब है पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस के लिए, इसको इनॉग्रेट किया गया किस कंट्री में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन जर्मनी, ऑप्शन बी US, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपने पाथ के तौर पर हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत जो पहला हब है इस काइंड का WHO हब फॉर पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस का, इसको इनॉग्रेट किया गया है जर्मन चांसलर एंजेलिना मर्केल के द्वारा, जो कि WHO डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहनॉम गेब्रेसियसिस, इन दोनों के द्वारा बर्लिन जर्मनी में। ये जो हब है उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट $100 मिलियन का किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के द्वारा, और इसको लेड किया जा रहा है डॉक्टर चिविके इकेवेजवा के द्वारा, जो कि करंट डायरेक्टर जनरल है नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के। ये जो हब है ये करेंटली ऑपरेट कर रहा है सेंटर के द्वारा, जो प्रोवाइड करेगा पेरिस यूनिवर्सिटी मैड्रिड बर्लिन के द्वारा। मऊ साइन किया गया इन दोनों के बीच में इसको लेके। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसको एस्टैब्लिशमेंट 1948 में किया गया था। इसके मेंबर्स कंट्री 194 है, जिसमें भारत भी एक मेंबर है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड पर है। इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहनॉम गेब्रेसियसिस है। जर्मनी के चांसलर एंजेलिना मर्केल है। कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो। US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, कैपिटल वाशिंगटन DC, करेंसी US डॉलर। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु नोटिफाइड IT रूल फॉर टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन PF अकाउंट बियॉन्ड 2.5 लाख टू 5 लाख। किसने नोटिफाई किया IT रूल को टैक्सेबल इंटरेस्ट के लिए PF अकाउंट में बियॉन्ड 2.5 लाख और 5 लाख के लिए। आपका ऑप्शन है RBI, ऑप्शन बी CCI, ऑप्शन सी CBDT, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी CBDT। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, इन्होंने नोटिफाई किया है न्यू रूल को जो कि रिगार्डिंग टैक्सेशन को लेकर है इंटरेस्ट इनकम का, जिसको कि अर्न किया जा रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF कंट्रीब्यूशन में, जो कि बियॉन्ड ₹2.5 लाख ईयर होगा, और ₹5 लाख ईयर से बियॉन्ड होगा तब लगेगा। ₹2.5 लाख एनुअल कंट्रीब्यूशन लिमिट जो है वो अप्लाई करेगा EPF मेंबर के लिए, जबकि जनरल और स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड और अदर प्रोविडेंट फंड जहां पर कोई भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के द्वारा नहीं होगा वहां पर थ्रेशोल्ड को सेट किया गया है ₹5 लाख के लिए। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसका चेयरपर्सन JB मपात्रा है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कंपटीशन रेगुलेटरी बॉडी है भारत का। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो रिस्पॉन्सिबल है इन्फोर्स करने के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 को, और प्रमोट करने के लिए कंपटीशन को पूरे भारत में, प्रिवेंट करने के लिए वैसे एक्टिविटी को जिसका कि बुरा प्रभाव पड़ रहा हो कंपटीशन के ऊपर भारत के। फाउंड किया गया था इसको 14 अक्टूबर 2003 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। पहले इसके एग्जीक्यूटिव धनेन्द्र कुमार थे और इसके एजेंसी का भी एग्जीक्यूटिव अशोक कुमार गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, काजिन 21 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो काजिन 21 है ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के बीच में। आपका ऑप्शन है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी इसराइल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कजाकिस्तान। इंडियन आर्मी ने भाग लिया था काजिन 21 में, जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, जो कि आपका RCBB विलेज ऑफ कजाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया है। जो 90 सोल्डर्स हैं इंडियन आर्मी के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है 5th एडिशन में काजिन के, जो कि एक एनुअल बायलेटरल एक्सरसाइज है। ये 10-डे लॉन्ग एक्सरसाइज है जिसको डिजाइन किया गया है शेयर करने के लिए एक्सपर्टाइज को आर्मीज के बीच में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को ध्यान में रखकर। जो 4th एडिशन था काजिन का, इसको कंडक्ट किया गया था उत्तराखंड के पिट्टौगढ़ में September 2019 में। चौथा एडिशन कहां पे हुआ था, तो पिट्टौगढ़ उत्तराखंड भारत में। और ये जो पांचवा है आपका, ये RCBB विलेज कजाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया 2021 का। अब हम कुछ फैक्ट को देखें, तो कजाकिस्तान के कैपिटल जो है नूर सुल्तान है, करेंसी टेंगे, प्रेसिडेंट कैसियम जोमेट टोकावेव,
UAE के कैपिटल अबू धाबी, करेंसी यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम, प्रेसिडेंट खालिद बिन जायद अल नहयान, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्तली बेनेट, कैपिटल जेरूसलम, प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग, करेंसी इसराइली शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रशिया NSCMB साइन मोव विथ होम फॉर रिसर्च इन मेडिसाइन साइन। रशिया के NSCMB ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को किनके साथ रिसर्च के लिए मैराइन साइंस का? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है CSIR NIO, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी HAL, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए CSIR NIO। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी है CSIR NIO, उसने वर्चुअली साइन किया है मऊ को रशिया एवी जिमोस्की नेशनल साइंटिफिक सेंटर ऑफ मैराइन बायोलॉजी के साथ फार ईस्टर्न ब्रांच रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के लिए कोलैबोरेट किया गया है मैराइन रिसर्च के लिए। इसका मकसद है कि स्ट्रेंथन किया जाए म्यूचुअल कोऑपरेशन को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और एडवांसमेंट लाया जाए रिसर्च में मैराइन साइंस के फील्ड पे। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी NIO, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 1966 में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका गोवा पे है, रीजनल सेंटर इसका कोची केरला पे, मुंबई महाराष्ट्र में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। रशिया का कैपिटल जो है वो मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबेल। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में, रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक पे है। फाउंडर वर्ल्डचंद हीराचंद, फाउंड किया गया था 23 दिसंबर 1940 को। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है। रिसेंटली सोलंग फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट बिगिन, अभी हाल ही में जो सोलंग फेस्टिवल है किस स्टेट का स्टार्ट हुआ है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।